डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक जनरल नॉलेज वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर IAS, पंजाब PCS, HCS एंड अदर स्टेट लेवल कंपटीशन एग्ज़ाम्स। आज की इस फ्री वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में समझेंगे। जब हम स्पोर्ट्स और गेम्स की बात करते हैं तो पूरे विश्व में जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण गेम्स हैं वो है ओलंपिक गेम्स। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स हैं जो ओलंपिक गेम्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि फ्रीक्वेंटली डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। ओलंपिक गेम्स जैसे कि हम जानते हैं दो तरह के हैं, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं वो 1896 ईस्वी में एथेंस ग्रीस में स्टार्ट किए गए थे, जबकि विंटर ओलंपिक्स फर्स्ट टाइम 1924 में स्टार्ट किए गए थे। पहले बात करते हैं समर ओलंपिक्स के बारे में। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं वो 1896 ईस्वी में एथेंस जो कि ग्रीस में है वहाँ पे स्टार्ट हुए थे। इससे पहले भी एंशियंट टाइम्स में 8th सेंचुरी BC में भी ग्रीस में ये गेम्स होते थे जो कि लगभग 4th सेंचुरी AD तक चले थे, बाद में जिन्हें बंद कर दिया गया था। इन गेम्स को 1896 ईस्वी में रिवाइव किया गया था। बैरन पीरे डी कुबर्टिन, उन्हें मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर के नाम से भी जाना जाता है, यानी उन्होंने ये गेम स्टार्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्हीं के एफर्ट से मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 ईस्वी में एथेंस में हुए थे। लास्ट टाइम 2012 में ये गेम्स लंदन में हुए थे और 2016 में ओलंपिक गेम्स ब्राज़ील रायो डी जिनेरो में होने हैं। ओलंपिक गेम्स के अगर एम्बलम की बात करें तो ओलंपिक गेम्स का जो एम्बलम है वो 5 सर्कल से बना हुआ है जो आपस में इंटरट्वाइंड यानी उलझे हुए हैं। ये 5 जो सर्कल हैं ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, रेड, येलो एंड ग्रीन कलर। ये कलर्स ये डिफरेंट कंटिनेंट्स को दर्शाते हैं, यानी ब्लू कलर यूरोप कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, ब्लैक कलर अफ्रीका का सिंबल है, रेड कलर अमेरिका को दर्शाता है, येलो कलर एशिया को प्रदर्शित करता है और ग्रीन कलर है जो ओशियानिया या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। जो ओलंपिक गेम्स का मोटो है वो है सीटीएस एलटीएस एंड फोर्टीएस। सीटीएस मींस स्विफ्टर और फास्ट, LTS means higher and 40s means stronger। ये जो वर्ड्स हैं जो ओलंपिक गेम्स का ये जो मोटो है ये फर्स्ट टाइम 1920 के ओलंपिक गेम्स में शुरू किया गया था, यानी इन्हें पहली बार 1920 के ओलंपिक गेम्स में यूज़ किया गया था। ओलंपिक गेम्स जब स्टार्ट होते हैं तो एक ओलंपिक फ्लेम को जलाते हैं जिसे सबसे पहले एम्स्टर्डम में 1928 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। जो ओलंपिक फ्लेम स्टार्ट करने की जो प्रथा है उसे 1928 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। जब ओलंपिक गेम्स होते हैं तो एक ओलंपिक टॉर्च का रिले होता है जो एक कंट्री से स्टार्ट होकर सभी कंट्रीज में ट्रेवल करती है। इस ओलंपिक टॉर्च को सबसे पहले 1936 के ओलंपिक गेम्स जो कि जर्मनी में हुए थे वहाँ से इसे ओलंपिक टॉर्च को स्टार्ट किया गया था। जहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हु वाज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा कि डेमेट्रियस विकेलिस वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगर हम इंडियंस की बात करें ओलंपिक्स में तो सबसे ज़्यादा गेम
ओवरऑल गेम में हॉकी में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 गोल्ड मेडल्स अभी तक जीते हैं। और अगर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की बात करें तो सबसे पहले अभिनव बिंद्रा में राइफल शूटिंग इवेंट में 2008 ईस्वी में बीजिंग ओलंपिक्स में फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था। बात करते हैं विंटर ओलंपिक्स के बारे में। विंटर ओलंपिक्स गेम्स 1928 में फ्रांस में शुरू किए गए थे, वहाँ के एक सिटी चैमोनिक्स में। लास्ट टाइम 2014 ईस्वी में विंटर ओलंपिक्स को सोची, जो कि रशिया में स्थित है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और 2018 में साउथ कोरिया प्योंगचांग में विंटर ओलंपिक्स गेम्स होने हैं। पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में बात करें तो पैरालंपिक्स गेम्स जो विकलांग लोगों के लिए ओलंपिक गेम्स हैं उन्हें पैरालंपिक गेम्स कहते हैं। 1960 ईस्वी में फर्स्ट समर पैरालंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए थे रोम में, और फर्स्ट विंटर पैरालंपिक्स गेम्स स्वीडन में सबसे पहले हुए थे। ओलंपिक्स गेम्स के बाद जो पूरे एशिया में जो महत्वपूर्ण गेम्स हैं उन्हें एशियन गेम्स के नाम से जाना जाता है, यानी एशिया के जो कंट्रीज हैं वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एशियन गेम्स सबसे पहले 1951 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुए थे, और जो एशियन गेम्स का मोटो है उसे हम कहते हैं एवर ऑनवर्ड, यानी कि हमेशा आगे रहो। 2014 में एशियन गेम्स को इंचियन सिटी, जो कि साउथ कोरिया में स्थित है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और 2018 ईस्वी में एशियन गेम्स हैं जो जकार्ता पेलेमबांग में, जो कि इंडोनेशिया में, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होने हैं। एशियन गेम्स के बाद जो अनदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड लेवल पे जो इम्पोर्टेंट गेम्स हैं वो आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स मीन्स जो कॉमनवेल्थ के जो कंट्रीज़ हैं, कॉमनवेल्थ के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन कनाडा में इन्हें स्टार्ट किया गया था, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो एथलीट्स हैं वो इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 1978 से इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से ही जाना जाता है। लास्ट टाइम 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स को ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होनी है। वर्ल्ड लेवल पे जो अनदर बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है वो है वर्ल्ड कप फुटबॉल, जिसे पूरे विश्व में बहुत ही उत्साह के साथ देखा जाता है। जो ये वर्ल्ड कप फुटबॉल है इसे फीफा द्वारा हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। फीफा का मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा को 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और जो फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था उसे 1930 में उरुग्वे में ऑर्गेनाइज किया गया था। लास्ट टाइम 2014 में ब्राज़ील में ये गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे, और 2018 में वर्ल्ड कप फुटबॉल की गेम्स रशिया में ऑर्गेनाइज होनी है। अब तक जो मैक्सिमम टाइटल्स जो वर्ल्ड कप फुटबॉल जीता है वो है ब्राज़ील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ब्राज़ील ने इसे अभी तक मैक्सिमम टाइम 5 टाइम्स जीता है। और लास्ट टाइम 2014 में वर्ल्ड कप फुटबॉल का टाइटल है वो जर्मनी ने अर्जेंटीना को हरा कर जीता था। चाहे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1942 और 1946 में वर्ल्ड कप फुटबॉल को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। वर्ल्ड कप फुटबॉल के बाद में स्थान आता है हॉकी वर्ल्ड कप का। हॉकी वर्ल्ड कप को 1971 में स्टार्ट किया गया था, और फर्स्ट टाइम हॉकी वर्ल्ड कप
बार्सिलोना स्पेन में ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसका विनर पाकिस्तान था। लास्ट टाइम 2014 में हॉकी वर्ल्ड कप को नीदरलैंड, हेग नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। तो एक बात और याद रखने योग्य है कि मैक्सिमम टाइम हॉकी वर्ल्ड कप को अब तक पाकिस्तान ने 4 बार जीता है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं गेम्स के बारे में कुछ जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। ये पॉइंट्स अक्सर किसी न किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जीके बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम अगले ट्यूटोरियल में हम किसी अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।